वाओ ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, पर ये क्या रैंबो फ्रेंड वाले कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं यार। ये मेरे को डरा नहीं सकते यार, मैंने सारे फ्यूज लगा दिए, बस मेरे को लीवर दबाना है। रैंबो फ्रेंड वाले दादा दादी बाय बाय। वाओ आज हम प्ले करेंगे ग्रैंडपा एंड ग्रैनी होम एस्केप रैंबो फ्रेंड चैप्टर। यार इसका न्यू अपडेट आ गया है और हमने बहुत टाइम से एंड्रॉइड गेम प्ले नहीं किया यार। हाँ, मैं भी वही बताने वाला था यार, आजकल तुम हॉरर गेम प्ले करते ही नहीं यार, हॉरर गेम तुम भूल ही गए हो। ना ना ना, मैंने भाई हॉरर गेम बंद नहीं किया है यार, बट अच्छे वाले हॉरर गेम हम प्ले करेंगे। तो चलो यार फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना गेम स्टार्ट करते है। वाओ, हमें सर्कस के अंदर जाना है बट यहाँ पर डोर लॉक है और इसके फ्यूज हमें फाइन करके या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी होगी तभी शायद डोर खुलेगा क्या। नहीं रे, इस डोर पे तो भाई यहाँ पर लॉक लगाया है, मतलब कि यहाँ पर कोई की होगा या रुको, हमारे पास एक डब्बा भी है यार जिसके अंदर शायद हम हाइड हो सकते हैं अगर ग्रैंडपा एंड ग्रैनी यहाँ पर आ जाते हैं। और हाँ यार आपको बता दूं भाई, ये रोब्लॉक्स रैंबो फ्रेंड का कुछ ज्यादा ही भाई ट्रेंड चल रहा है यार, वो गेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो इसकी वजह से भाई ग्रैंडपा एंड ग्रैनी के अंदर भी ये वाला चैप्टर आ गया है। और क्या भाई ये बलून फटते क्यों है यार। ओके, और जैसे ही ये बलून फटते हैं भाई हमारी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये सब तो ठीक है कांजो, बट ग्रैनी एंड ग्रैंडपा कहाँ हैं यार। ये थोड़ी ही देर में आते होंगे यार, तेरे को क्या हलवा खाना है भाई। ओके, हमारे पास बॉक्स है यार और इसकी मदद से हम हाइट हो सकते हैं। वो हो, अगर ग्रैनी ग्रैंडपा हमारे सामने आ भी गए ना भाई, हमारे पास बॉक्स है यार, हम हाइट हो सकते है। नहीं यहाँ पर नहीं हो सकते, बाहर जाना पड़ेगा। वाह, ये कौन है, कौन है ये। रैंबो फ्रेंड वाले चाचा यहाँ पर कैसे आ गए। रुको, ये कोई चाचा नहीं है, ये ग्रैनी एंड ग्रैंडपा है, इसने रैंबो फ्रेंड के कॉस्ट्यूम पहने हैं। ओ हो, ऐसे मेरे को कोई डरा नहीं सकता यार। ग्रैंडपा ग्रैनी तेरे को देख लूंगा। ओके, अभी फिलहाल मेरे को भागना पड़ेगा, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है यार, और ये लोग मेरा ही पीछा कर रहे हैं। ओके, मेरे को फ्यूज फाइन करने हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला रूम है वहाँ पर फ्यूज चिपका के यार मेरे को लीवर दबा के यहाँ पर एस्केप करना पड़ेगा। आओ, ये बलून फट गया। रुको, मेरी स्पीड भी भाई स्लो हो गई यार, मेरे को भागना पड़ेगा। रुको, यहाँ पर कुछ चमक रहा है। मेरे को फ्यूज मिला। आओ, ये ग्रैनी ग्रैंडपा यहीं पर आ रहे हैं यार, ये कमरा। ओ रुको, मिस्टेक हो गया यार, मेरे को रूम के अंदर जाना था। और रुको भाई, ये कोई रूम नहीं था यार, वो इलेक्ट्रिकल पैनल वाला रूम था और वहीं से रुको, एक और फ्यूज मेरे को मिला। ठीक है भाई, अभी हम वापस से जाएंगे इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर, वहाँ पर हमें बहुत सारे फ्यूज वहाँ पर चिपकाने हैं और तब जाके हमारा मेन डोर एस्केप होगा। वो मेन डोर नहीं, मेन गेट होता है यार, मेन गेट से एस्केप करना है। अबे जो भी है यार, शायद ग्रैनी यहाँ पर आ गई। ओहो, रैंबो फ्रेंड के कॉस्ट्यूम के अंदर। ओके यार, इसकी शक्ल भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, बट पक्का ये ग्रैनी है यार, मेरे को पता है, क्योंकि इसके हाथ में भाई डंडा है यार और ग्रैंडपा के हाथ में हैमर होता है। चलो ठीक है, अभी ग्रैनी से भाई मैंने छुटकारा ले लिया है और इस बलून से मेरे को दूर रहना पड़ेगा यार, वरना ये बलून जब भी फटेगा भाई हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। ओके, और यही है हमारा इलेक्ट्रिकल रूम। ओके, इसको अंदर से बंद करो। और वो ये रही हमारी इलेक्ट्रिकल पैनल और यहाँ पर बहुत सारे हमें फ्यूज चाहिए, 6 और 6 शायद। ओहो, 18 फ्यूज हमें चाहिए। ओके, इसमें से मेरे को शायद 4-5 मिले हैं, या हमारे दोस्त भी है या ग्रैनी यहाँ पर आ रही है भाई, डब्बा हाइड हो जाओ। मेरे को डब्बे के अंदर हाइड होना था यार, इसने मेरी लंका लगा दी। कोई बात नहीं, होता है यार, हमारे को पता चल गया है यार, ये मैप बहुत बड़ा है, इसके अंदर हमें बहुत सारे फ्यूज फाइन करने हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करके यहाँ से एस्केप करना है। तो शिवा, अबे फटाफट बता यार, फ्यूज कहाँ मिलेंगे हमें। ये सवाल तो मैं तेरे को करने वाला था यार, इतने सारे फ्यूज हमें मिलेंगे कहाँ से। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, मेरे को पता ही था यार तू सवाल करेगा, इसीलिए सवाल पूछने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया ताकि तेरे पास कोई जवाब ना हो। मैंने ये क्या पहले बता दिया तेरे को समझ में नहीं आएगा यार, चलो छोड़ो भाई। ये रुको, रैंबो फैन वाले दादाजी यहाँ पर आ गए यार, मेरे को बलून से दूर रहना पड़ेगा वरना ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। ओके, कुछ चमक रहा है कुछ। ओके, मेरे को एक और फ्यूज मिला, वैसे मेरे को समझ में नहीं आएगा यार मेरे को कितना फ्यूज मिला, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे फ्यूज फाइन करने हैं यार।
ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, बट मेरे को एसी भाई बहुत सारे फ्यूज फाइन करके इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर जाना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चलेगा यार मैंने कितने फ्यूज फाइन किए हैं। या भाई ये सब क्या है? ग्रैनी भी आ गई। ओवो, एक और फ्यूज। ठीक है, अरे बलून फूट गया, रुको रुको मेरे को हाइड होना पड़ेगा। थैंक गॉड हमारे पास डब्बा है यार, इसके अंदर हम हाइड हो सकते हैं। बाई चांस ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते। क्या? ग्रैंडपा ने मेरे को वापस से देख लिया। तो क्या हुआ यार, वापस से डब्बे में हाइड हो जाना यार, हमारे पास हाइड होने वाला डब्बा तो है। तू चाहता है कि मैं डब्बे के अंदर हाइड हो जाऊँ, तू कहे तो बाहर आऊँ, तू कहे तो अंदर जाऊँ। अबे क्या समझा है मेरे को? मेरे को यहाँ पर बहुत सारे फ्यूज फाइंड करने हैं यार। ओके, मेरे को एक और मिल गया। क्या बात है यार। ओके, इस बार हम हाइड नहीं हो गए यार, हमें फटाफट वहाँ से निकलना है और बहुत सारे फ्यूज फाइंड करने हैं यार। अगर ऐसे हम हाइड होते रहेंगे तो भाई पूरा साल निकल जाएगा यार, इतने सारे फ्यूज कलेक्ट करते करते। ठीक है, इस बलून से बचना है और हमें ग्रैनी और ग्रैंडपा से भी बचना है। या फिलहाल मैंने ग्रैंडपा को तो वहाँ पर देखा है, बट ये ग्रैनी कहाँ से आएगी मेरे को नहीं आइडिया यार, इसलिए हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है यार। वैसे यहाँ पर कुछ चमक नहीं रहा है यार, कुछ चमक रहा हो तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से फ्यूज कहाँ पर मिलेंगे यार। एक और फ्यूज, नाइस। ओके, ऐसे फ्यूज यहाँ पर और भी हो गए क्या? मेरे को फ्यूज चाहिए यार। ओके ओके, जरा ज़्यादा और एक्टिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को बस फ्यूज चाहिए। ओके, ये बलून क्यों फूट रहा है यार? आओ, शायद ग्रैंडपा ने मेरे को देख लिया। ओके, यहाँ पर मेरे को फटाफट देखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स है यार, इसके पीछे भी हो सकता है यार फ्यूज। ओके 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 ओके, कहाँ है फ्यूज? फ्यूज 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 फ्यूज, आओ यहाँ पर नहीं है। इस डब्बे के पीछे तो नहीं है ना? ओके यार, डब्बे के पीछे भी हो सकता है यार, उसके पीछे भी हमें देखना पड़ेगा यार। नहीं है यार। ओ यार, इतने सारे फ्यूज मेरे को कहाँ से मिलेगा? रुको रुको रुको, वहाँ पर कुछ तो चमक रहा है। या मेरे को एक और फ्यूज मिला। ठीक है यार, कितने फ्यूज हुए यार, मैंने तो गिने ही नहीं यार, पता कैसे चलेगा भाई। ओके, हमें इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर जाना भी पड़ेगा यार, वहाँ देख के पता लगा लेंगे यार कितने फ्यूज लगाए हैं। वैसे तेरे को पता है यार कितने फ्यूज हमने ढूंढे? मेरे को पता है यार, क्यों नहीं पता? अगर तेरे को नहीं पता होगा तो मेरे को भी पता है यार, शायद 10-12 या फिर 15 फ्यूज हमने फाइंड किए हो गए शायद। रहने दे यार, रहने दे भाई, तेरे को नहीं पता यार, ऐसे हवा में बात मत कर। ओके यार, मैं पता लगा लूंगा भाई। इलेक्ट्रिकल पैनल रूम के अंदर हमें जाना पड़ेगा। ओके, ये गुब्बारे क्यों फट रहे हैं यार, मेरा दिमाग फट रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से मेरी स्पीड कितनी स्लो हो जाती है। ओके, ग्रैंडपा यहीं पर है। ओके, बलून से दूर रहो। क्या ये बलून फट क्यों जाते हैं यार? ओके, यहाँ पर कोई चमकीली चीज नहीं है भाई, मेरे को फ्यूज चाहिए। ओके ठीक है, वो हम इलेक्ट्रिकल रूम के पास आ गए। ओके, यहाँ पर कुछ तो है शायद। आओ, दो बंदे यहीं पर बैठे हैं और एक यहाँ। हमें सारे फ्यूज मिल गए, बस एक फ्यूज बाकी है, येलो फ्यूज। उसके बाद हमें लीवर दबाना है और हमारा एस्केप हो जाएगा। ओहो, क्या बात है यार, हमारे दो दोस्त थे वो तो यहाँ पर बैठे हैं यार बॉक्स में हाइड होके, बस लास्ट वाला फ्यूज बाकी। ग्रैनी आ गई यहाँ पर। ओके ओके ग्रैनी, बस हमारा एस्केप होने वाला है, तू रुक यार। कांजो, तू इतना हकला क्यों रहा है यार, तेरी हवा टाइट क्यों हो गई भाई? बस लास्ट वाला फ्यूज बाकी है यार, उसके बाद हमारा गेम खत्म। क्या खत्म यार, लास्ट वाला फ्यूज तो फाइंड करने थे, और ये ग्रैनी मेरा खून चूस रही है यार। ओए रुको रुको, आओ ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों आ गए। क्या करूँ, इसका समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे, बस लास्ट वाला येलो फ्यूज मेरे को चाहिए, बस यहाँ पर कुछ भी चमक रहा हो मेरे को फौरन बताना यार। ठीक है? हाँ ठीक है यार, बट मेरे को दिखाई तो दे, उसके बाद तेरे को बताऊंगा ना भाई। हाँ लगता है यार मेरे को भी शिवा की तरह 3-4 नंबर के चश्मे पहनने पड़ेंगे यार, तब जाके मेरे को साफ साफ दिखाई देगा कि यार लास्ट वाला येलो फ्यूज कहाँ पर है। ओके यार दोस्तों, आप लोग तो यार मेरे को कमेंट करके बताओ यार ये लास्ट वाला फ्यूज कहाँ पर है। ओके यार, यहाँ पर मेरी हवा टाइट हो गई है, बट अभी बस मेरे को येलो फ्यूज नहीं मिला। ठीक है यार, मिल जाएगा। ओके कंट्रोल कांजो। ओके ओ, इलेक्ट्रिकल रूम हमारा यहीं पर है, अगर यहाँ पर मेरे को, अबे बलून का क्या करूँ मैं, लास्ट वाला फ्यूज अगर मेरे को मिल गया तो बस हमारे को सीधे जाना है इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर। देख कांजो, तू आलतू फालतू बात मत कर और यहाँ पर फोकस कर यार कि लास्ट वाला फ्यूज कहाँ पर है। मैं कब से वही तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई चमक ही नहीं रहा। रुको रुको, चमक रहा है भाई, चमक रहा है यार। वो लास्ट वाला येलो फ्यूज यहाँ पर पड़ा था, मेरे को दिखाई क्यों नहीं दिया यार। फाइनली गाइस,
ओ भाई ये रैम्बो फैन वाले भाई ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं यार। मेरे को लास्ट वाला फ्यूज मिल गया है, बस मेरे को इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर पहुंचना है और भाई लीवर दबाना है, मेरा गेम खत्म। हम सर्कस के अंदर चले जाएंगे हमारे दोस्त के साथ। बस ये ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे से दूर रहे और ये गुब्बारे दूर रखो। क्या इसने वापस से मेरा स्पीड कम कर दिया और ग्रैनी ग्रैंडपा मेरा पीछा ही कर रहे हैं। ओके भागो भागो कांजो भागो 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 भागो। बस आ गए यार, वो रहा हमारा इलेक्ट्रिकल रूम। ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाओ यार, तुम्हारे सामने एस्केप करूंगा मैं। आओ ठीक है, वो आ रहे हैं यार। ठीक है उसको आने दो, हमारे सारे दोस्त यहाँ पर आ गए है। ओ हेलो बच्चा पार्टी, सारे फ्यूज हमें मिल गए हैं। ये डब्बे के अंदर हाइड हो गए, कोई बात नहीं। देख रहे हो भाई हमें सारे फ्यूज हमने इकट्ठा कर लिए है, बस ग्रैनी और ग्रैंडपा आ गए। रैम्बो फ्रेंड वाले बे कांजो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है भाई, तू फटाफट एस्केप करना यार। बा, 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 बस मेरे को लीवर ही दबाना है यार। ये रहा भाई, इसको दबाओ। ग्रैंडपा एंड ग्रैनी रैम्बो फ्रेंड के कॉस्ट्यूम पहन के मेरे को डराएंगे। मैंने एस्केप कर लिया, बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। आओ तो चलो यार, ये था ग्रैंडपा एंड ग्रैनी का रैम्बो फ्रेंड चैप्टर। वैसे आपको ये कैसा लगा यार, आप लोग हमें कमेंट करके बताओ। और अभी टाइम हो गया है शाउट आउट का, तो आज का शाउट आउट आता है ममता बैनर्जी चिंटू, सागर श्रेष्ठा, दक्ष जैन, गेम्स वर्सेस फ्री फायर और लास्ट में है किरण राज। और हाँ यार, आप लोग भी शाउट आउट चाहते हो ना भाई, तो वीडियो को पूरी देखो और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना भाई, उसको भी दबा दो यार। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा अलविदा एंड बाय।